नमस्कार। अभी तक हमने ठोसों में अपूर्णताओं के अंतर्गत नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष और नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष के अंतर्गत ऋण आय व्यक्तियों के बारे में जाना। अब नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष के अंतर्गत दूसरा प्रकार अंतराकाशीय स्थान पर अतिरिक्त धन आयन द्वारा ठोसों में अपूर्णताएं। तो आइए सर्वप्रथम हम क्रिस्टल का जालक निरूपित करें ताकि हमें यह बिंदु समझने में आसानी हो। तो क्रिस्टल के रचक कण इस प्रकार से हम क्रिस्टल के रचक कणों को निरूपित कर रहे हैं। ए प्लस बी माइनस ये क्रिस्टल के रचक कण या जालक बिंदु या लैटिस पॉइंट हैं। ए प्लस के साथ बी माइनस और ए प्लस। इस प्रकार से क्रिस्टल के रचक कणों को हमने इस प्रकार से निरूपित किया ए प्लस एवं बी माइनस के रूप में। तो अब हम चित्र के माध्यम से जानेंगे कि इस प्रकार से अंतराकाशीय स्थान पर अतिरिक्त धन आयन द्वारा ठोसों में अपूर्णताएं उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार के ठोस में अतिरिक्त धन आयन अंतराकाशीय स्थान पर स्थित होता है। जिस प्रकार से हमने ए प्लस के रूप में धन आयन को निरूपित किया तो ए प्लस के रूप में हम अंतराकाशीय स्थान में धन आयन को निरूपित करेंगे। तो इस प्रकार के दोष में अर्थात ठोसों में अपूर्णताओं के अंतर्गत इस प्रकार के दोष में अतिरिक्त धन आयन अंतराकाशीय स्थान अर्थात क्रिस्टल के अंदर जो रिक्त स्थान होता है उस रिक्त स्थान में अतिरिक्त धन आयन स्थित होता है और विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशीय स्थान पर होता है। तो इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक में अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धन आयन उपस्थित होता है जिससे धन आयनों की संख्या बढ़ जाती है। तो इसे हम कह सकते हैं धातु अधिक्य दोष। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भी स्थित होता है जिससे क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है या क्रिस्टल विद्युत उदासीन बना रहता है। उदाहरण के तौर पर ZnO या जिंक ऑक्साइड और ले सकते हैं FeO आयरन ऑक्साइड। जब जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है आइए समीकरण के माध्यम से जानें ZnO प्लस ZnO गर्म करेंगे जिंक ऑक्साइड को गर्म करेंगे तो Zn 2 प्लस आयन बनेंगे प्लस 1/2 O2 अर्थात ऑक्सीजन निकल जाएगी और दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इस प्रकार से। तो हम यहां पर A प्लस के रूप में मान लिया जाए जिंक को निरूपित करें तो जिंक जो गर्म करने के पश्चात अभिक्रिया करेगा तो Zn 2 प्लस आयन अंतराकाशीय स्थानों पर स्थान ग्रहण कर लेगा साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशीय स्थानों में चला जाएगा। इस प्रकार से क्रिस्टल विद्युत उदासीनता नहीं खोता है। इस प्रकार से जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर जिंक Zn 2 प्लस आयन में परिवर्तित होता है जो क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में स्थान ग्रहण कर लेता है साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशीय स्थानों में स्थान ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार से जिंक ऑक्साइड श्वेत से पीला हो जाता है। तो आज हमने अंतराकाशीय स्थान पर अतिरिक्त धन आयन द्वारा क्रिस्टल में होने वाली अपूर्णता के बारे में जाना। धन्यवाद।